कश्मीर की ठंडी ठंडी सुबह में अभी बज रहे हैं लगभग 9:30 और मौसम बहुत ही सुहावना है। और आज जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए और सबसे बड़ी बात, आज बड़ी मेहनत से मैं नहाया भी हूँ। सोनमर्ग की तरह ही गुलमर्ग भी स्नो के लिए काफी फेमस है और गुलमर्ग श्रीनगर से केवल 52 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप सोनमर्ग वाले रास्ते पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल शांत जगह दिखाई देगी, लेकिन अगर आप गुलमर्ग के रास्ते पे जाएंगे तो रास्ते में आपको कई मार्केट दिखाई देगी। और ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये मागम एरिया है और इधर से आप शेयरिंग में भी गुलमर्ग जा सकते हैं, लगभग 500-600 रुपये के आसपास आपको लगेंगे और गुलमर्ग तक पहुँच जाएंगे। और ये एरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी मार्केट भी है और थोड़ी सी ट्रैफिक भी दिख रही है। मागम के आगे आपको टंगमर्ग तक प्लेन रास्ता मिलेगा और हो सकता है कि आपको श्रीनगर से टंगमर्ग तक के लिए ही शेयरिंग कार मिले। उसके बाद आप टंगमर्ग से गुलमर्ग की शेयरिंग कार ले सकते हैं। गुलमर्ग के पहले पड़ता है टंगमर्ग और यहाँ पर आपको कई सारे गाइड्स वगैरह मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि साथ में आपको ऊपर जाएंगे और टिकट्स वगैरह आपके इजीली ले लेंगे। वहाँ पे बहुत लाइन लगती है और उनकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे। अब आगे क्या होता है वो तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें हैं ऊपर जाके पता चल जाएगी और वीडियो में आगे आप भी देख लेंगे, मुझे भी अभी नहीं मालूम है। और यहाँ पे अभी कुछ चेकिंग वगैरह हो रही है, जो हम लोग के कोविड की जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन की वो वगैरह चेक होगी, वो सब चीज़ें फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। टंगमर्ग से आप जैकेट्स या बूट्स हायर कर सकते हैं, लेकिन स्नो के कपड़े या बूट्स भी तभी हायर करें जब काफी बर्फ हो। इसके बाद जो रास्ते थे वो चढ़ाई के थे और अब पहाड़ पर होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि ये लास्ट का 10 किलोमीटर बेहद खूबसूरत था। लगभग 2.5 घंटे के सफर के बाद मैं गुलमर्ग पहुंच गया। गुलमर्ग में मैं आ चुका हूं और ये आप पूरा देख रहे होंगे पार्किंग एरिया है और बर्फ यहाँ अगर आप देखेंगे जनरली यहाँ पर होती है। ये जो पूरा मैदान आपको फील्ड बड़ा सा दिख रहा है दूर वहाँ पे होती है, लेकिन अगर आप सामने देख पाएंगे तो वहाँ ऊपर बहुत बर्फ़ दिख रही है। फॉग की वजह से आपको नहीं दिखेगी लेकिन काफ़ी बर्फ़ वहाँ दिख रही है। जनरली अगर आपको यहाँ पे बर्फ़ मिल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, आप देख लेंगे, लेकिन आपको अगर बर्फ़ प्रॉपर देखनी है इस टाइम तो आपको गंडोला यानी कि जो रोपवे होता है उसके थ्रू जाना पड़ेगा और जिसका लगभग 700 या 800 रुपये लगता है वन साइड का, और उससे आप ऊपर तक जा सकते हैं और फिर नीचे आने का अलग से लगेगा और वो लगभग यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए अलग से आपको घोड़े वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं और हालांकि गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, मुझे मालूम नहीं है, अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपके आके लगभग 3-4 हज़ार रुपये या ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं, तो अपने पॉकेट में लेकर चलें। और अगर बर्फ़ यहाँ पे दिख गई तो बहुत अच्छी बात है, शायद आपके पैसे बच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये कंडीशन है। बाकी मैं और भी जगह जाकर देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ कपड़ों की भी शॉप्स हैं। यहाँ पर जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये टूरिस्ट पुलिस है और यहाँ पे पूरा रेट चार्ट लगा हुआ है। अगर आप गोंडोला से जाना चाहते हैं तो लगभग आपके 1700 रुपये लगेंगे, सेकंड फेज तक जाती है जो गोंडोला रोपवे होती है और वहाँ पे बर्फ अभी मिलेगी, फर्स्ट फेज पे नहीं मिलेगी। फर्स्ट फेज का 700 के आसपास है जबकि आपका 1700 में आना जाना सेकंड फेज से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी की कंडीशन में, बाकी अगर दिसंबर में आते हैं या और थोड़ा लेट आते हैं फरवरी या मार्च में आते हैं तो आपको ऊपर और भी बर्फ़ देखने को मिलेगी, इवन पास में भी नीचे भी बर्फ़ मिल जाएगी, तो शायद उस टाइम आपको ऊपर भी न जाना पड़े। हालांकि यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस का रेट चार्ट है उसको आप पूरा देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, और हालांकि वो भी सजेस्ट करते हैं कि इनके साथ जाओ क्योंकि ये LOC साइड थोड़ा सा पड़ता है। यहाँ पर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं,
और जब नीचे बर्फ होती है तो आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। आप यही रहते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? गुलाम भाई। गुलाम भाई, तब यहाँ क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? मांगता है क्या? बस मांगता है, मनी मांगता है। इतने मजा? खूब मजा आया। खूब मजा आया, बहुत खूब भालो। जय श्री राम, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आपका मंगल बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, वो तो अच्छा है, तभी तो रखा हुआ है। बढ़िया, शादी हो गई ना? हाँ, दो दो शादी किया मैं भी। कब आए? हाँ, दो दो किया। तो दूसरा कहाँ है? यही है दूसरा ना। हाँ, मैं दूसरे नंबर पे ही हूँ। हाँ अच्छा, इसको दो है? हाँ, दो रहती है, एक घर है, एक इसको घुमाता हूँ, उसको घर पे रखता हूँ। गुलमर्ग में जैसे जैसे गंडोला की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यहाँ थोड़ी बर्फ दिख रही थी। यहाँ पर जल्द ही मैं गंडोला के टिकट काउंटर पर पहुँच गया और यहाँ जब टिकट के लिए लाइन देखी तो 10 लोग से भी कम खड़े थे। जबकि टंगमर्ग में आपको गाइड ये बोलकर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन होती है और आप यहाँ पर भटक सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए गाइड हायर ना करें। तो यहाँ पर आप चाहे होटल वगैरह भी ले सकते हैं। अब ये होटल जो आप देख रहे हैं, रूम तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन 12,000 रुपीज़ एक नाइट का यहाँ का खर्चा है। इसके अलावा भी यहाँ पे सस्ते में भी अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब आपको 2,000-2,500 में भी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर अच्छी कैटेगरी की लेंगे तो शायद 7,000-8,000 या 10,000 तक भी रेट जाए। बाकी ये आप देख रहे हैं, 12,000 का लगभग ये होटल है। आपको गुलमर्ग में दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक नीचे बर्फ दिखेगी, नहीं तो आपको रोपवे के थ्रू ही ऊपर तक जाना होगा। और मई से नवंबर में अच्छी बर्फ के लिए कम से कम फेज 2 तक जाना ही पड़ेगा। और आपको यहाँ हमेशा बर्फ दिखेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। कुल मिलाकर गुलमर्ग जा रहे हैं तो एक पर्सन पर 5,000 रुपए का बजट रख कर जाए, क्योंकि गुलमर्ग पहुँचने के बाद भी आपके काफी खर्चे होंगे। गुलमर्ग में जब बर्फ हो जाती है तो ये पूरा जो एरिया है पूरा बर्फ से ढक जाता है, पूरी चादर यहाँ पे दिखती है बर्फ की, और बहुत ही प्यारा लगता है। हालांकि इस अंदर वाले एरिया में जैसे सोनमर्ग में बैरिकेडिंग लगी हुई है, वैसे यहाँ पे भी लगी हुई है, और घोड़े से ही आप ऊपर तक जा सकते हैं, पैदल भी वैसे जा सकते हैं, लेकिन गंडोला वगैरह तक जा सकते हैं, उसके आगे अलाउ नहीं है। बोलते हैं LOC है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, LOC यहाँ से बहुत दूर है। तो आपको बहुत सारी गलत गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, तो उस बात का विशेष ध्यान दें। और अगर गंडोला करना भी है, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ तक चले जाएँ, खुद से पैदल चले जाएँ। अगर घोड़े करने चाहते हैं, आपके पास बजट है तो जा सकते हैं, बाकी गंडोला के लिए जाना ही है तो आप वाई फुट जा सकते हैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर है। आपने ये खाया कभी? ये अमलोक है। अमलोक? हाँ, टमाटर जैसा दिखता है। टमाटर जैसा दिखता है, टमाटर ही एक महीने रहता है खाली। अच्छा, एक महीने के बाद ये खत्म होता है। ये नायाब चीज है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। ये कैसे मिलती है? ये यहाँ पे मिलती है 50 का केजी। ये टमाटर ही होता है? नहीं नहीं, ये मेवा होता है। मेवा होता है, मीठा होता है, जैसे आम खाते हो। इसको मैं खा के देखता हूँ कैसा है। सच में बहुत अच्छा है, बिल्कुल मीठा है। क्या बताया इसका नाम? अमलोक। अमलोक, अमलोक आप खाएं, कश्मीरी अमलोक में मना जाए। बहुत टेस्टी है, इसको जरूर ट्राई करें। और इसमें मैं देख रहा हूँ काफी फाइबर भी है, जरूर ट्राई करें। और प्राइस भी अच्छा है। ये इसी मंथ में मिलता है? खासमा के लिए लगता है ज्यादा। अच्छा, कब्जी होती है? हाँ। अच्छा, ज्यादा ये नवंबर वगैरह के मंथ में ही? नवंबर, हाँ, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में मिलता है। मैं लकी हूँ कि मुझे मिल गया। श्रीनगर में घूमने के लिए कई सारे बाग हैं और उन्हीं में से एक है यहाँ का निशात बाग, जो कि काफी खूबसूरत था। So right now I am in निशात गार्डन, जो कि मुगल निशात गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरा मेरे पीछे जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, पीछे पहाड़ भी हैं जो फॉग की वजह से नहीं दिख रहे हैं, और जब वो दिखते हैं तो ये और भी खूबसूरत होता है। और अभी इसकी अलग खूबसूरती है,
अभी ये भी बहुत हरा भरा सा नहीं है क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है, लेकिन जब ये ग्रीनरी आ जाती है तो और भी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे बीच बीच में छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं और छोटे छोटे यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं जो काफ़ी प्यारे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। पास पास में ये निषाद गार्डन और शालीमार गार्डन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा, ज़्यादा प्रॉपर बना हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है और कश्मीर जाने से पहले आपको जैकेट्स वगैरह रखनी ज़रूरी है क्योंकि ठंड बहुत होती है। और यहाँ पे मैं आया हूँ दिल्ली में मोहम्मदपुर में भीकाजी कामा प्लेस के पास में पड़ता है गुड लेदर गारमेंट्स, और ये मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी शॉप। और यहाँ आप देख रहे होंगे कितनी सारी जैकेट्स वगैरह लगी हुई हैं, और अब मैं देखता हूँ कौन सी जैकेट मेरे ऊपर सूट करती है और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ शॉपिंग करता हूँ। यहाँ पर जैकेट्स मैन्युफैक्चर होती है और आप अपने अकॉर्डिंग जैकेट्स भी बनवा सकते हैं। लड़के वाला ना लड़की लग बन गया मैं। यहाँ बॉयज ही नहीं गर्ल्स के लिए भी जैकेट मिल जाएगी और सभी काफी अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ पर काफी सारी जैकेट्स हैं जिसमें से मुझे काफी सारी पसंद आई है। तो ये क्या क्या क्वालिटी की है इसमें और रेंज क्या है? देखिए सर, रेंज हमारे पास स्टार्टिंग 2500 रुपए से है। अच्छा, हम आप 2500 रुपए की जैकेट है, सिर्फ लेदर ही गारंटी होगी, लेदर से लेके स्टिच से लेके और इसकी जिप तक की सबकी गारंटी होगी। और कोई प्रूफ कर देगा कि लेदर नहीं तो 50,000 रुपए इनाम, तो मैं आपको 50,000 रुपए इनाम मिलेगा आपको, लेकिन आपको वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि ये ओरिजिनल लेदर है और फील भी होगा आपको। और कौन कौन सी क्वालिटी है? कैमल लेदर में, इसका वेट देखिए, कैमल लेदर इसमें वेटेड है। अच्छा, स्वेट लेदर है, स्वेट लेदर है। ये डायमंड कटर वाला जैकेट है, ये लोग माइनस टेम्परेचर में पहन के जा सकते हैं। अच्छा, नहीं हाँ, इसको वार्म करने के लिए, इसके अंदर हीट करने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे मेटल डाला जाता है जो ये काफी गर्म रहता है। अच्छा, बेस्ट है, जरूर आए आप एक बार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लोकेशन दे दी है और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर भी। कश्मीर में आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खरीदें क्योंकि आपको यहाँ अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे प्राइस पर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ये रही अंजीर, लगभग ये 1250 रुपए किलो में मैंने लिए है, एक किलो ये ले लिए है। और ये मैंने लिया है वॉलनट जो कि लगभग 1.5 किलो मैंने लिया है क्योंकि काफ़ी बढ़िया है। और ये भी मैंने ले लिया है लगभग 800 रुपए किलो के आसपास। ये रही 100 रुपए की ड्राई एप्पल है, ये भी आप ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है ब्लूबेरी है, ये भी ये 500 रुपए का है, लगभग आधा किलो है। और इसी तरह से कैमरी लिया है, ये भी मैंने लिया है 500 रुपए का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये चेरी भी है, ये भी 500 का है। ये रहा बाकी कश्मीरी कहवा, ये 250 का है। ये गुलकंद वगैरह लिया है, बस इतना काफ़ी है। बाकी केसर वगैरह भी आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, 200 रुपए पर ग्राम मिलता है। कश्मीर के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कश्मीर की और भी कई फेमस प्लेसेस पर ले जाऊंगा और बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।